नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल YouTube में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी टाटा कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आपने एक बार तो टाटा समूह के नाम जरूर सुने होंगे। टाटा कंपनी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि दुनिया के 100 से भी अधिक देशों में अपना बिजनेस चला रही है। आज टाटा कंपनी का साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका है कि अगर टाटा समूह अपने सारे बिजनेस बंद कर दे तो देश की GDP में काफी गिरावट आ जाएगी और कई हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो क्या आप ऐसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं? तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और जानते हैं कि टाटा कंपनी का मालिक कौन है और टाटा कंपनी की देश की कंपनी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा है और टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन भी रतन जी हैं। जमशेद जी और JRD टाटा की तरह रतन जी ने अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। पिछले 50 सालों से रतन जी कंपनी का कार्यभार अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। रतन टाटा ने और भी कई कंपनियों के खरीदा और उन कंपनियों को भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। आज रतन टाटा भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। भारत में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं पर उनमें से लोग रतन टाटा का सबसे ज्यादा आदर करते हैं। वह एक नेक दिल इंसान है और जब जब देश को कोई आर्थिक समस्या या किसी अन्य सहायता की जरूरत पड़ी है तब तब रतन टाटा ने देश की मदद की है। टाटा समूह अपनी आय की तकरीबन 65% चैरिटी में दान करते हैं और टाटा समूह का एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी है जिसका नाम टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट है जो जरूरतमंदों की सेवा करता है। टाटा कंपनी की स्थापना 1868 में जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। जमशेद जी का जन्म साल 1839 को हुआ था और फिर 1868 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। जमशेद जी टाटा ने 1868 में टाटा कंपनी की शुरुआत रुई बनाने के कारखाने से करी थी और फिर समय के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी टाटा कंपनी ने अपने कदम रखे। आज आप जानते ही हैं कि टाटा समूह कितना बड़ा हो चुका है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि टाटा कंपनी की देश की कंपनी है। दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा भारत देश की कंपनी है। टाटा कंपनी की शुरुआत भारत में ही हुई थी और भारत के अलावा आज यह कंपनी दुनिया के 100 से अधिक देशों में सफलतापूर्वक अपना बिजनेस कर रही है। टाटा समूह का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में स्थित है। अब टाटा कंपनी का प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल कर रहे होंगे क्योंकि यह कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और दुनिया भर में लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। टाटा कंपनी हमारे देश भारत की सबसे पुरानी कंपनी है और आज यह कंपनी एक अच्छे मुकाम पर स्थित है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि टाटा कंपनी एक बिजनेस में काम नहीं कर रही है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के अन्य बिजनेस में भी अपना योगदान दे रही है। टाटा कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है।